बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा हमारे साथ है। किसी जमाने की बात है, एक हरे भरे और बड़े बड़े पेड़ों से भरे जंगल में एक लंबे से पेड़ पर एक बंदर बैठा केले खा रहा था। वो बहुत ही शरारती और नटखट था और खुद को जंगल का सबसे चालाक जानवर समझता था। नटखट मैं एक बंदर हूँ, प्यारा प्यारा दिखता हूँ, करता हूँ मैं काम अजब, पेड़ों पर मैं चढ़ता हूँ, बैठ के पेड़ की डाली पर सबका नज़ारा करता हूँ, आम और नारियल और केले बड़े मज़े से खाता हूँ, ला 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 ला। वहीं आसपास पानी का एक तालाब था जहाँ जंगल के जानवर पानी पीने जाते थे। नटखट बंदर चुपके से जानवरों को पानी पीते देख रहा था। जब उसने देखा कि सभी जानवर तालाब के पास इकट्ठा हो गए हैं तो दौड़कर उनके पास आया ताकि उनका हाल चाल जान सके। सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, हम ठीक हैं। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। जानते हो दोस्तों, मुझे कहते हैं चालाक बंदर। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन बदले में आपको केला देना पड़ेगा, समझ गए ना? सच में बंदर मियाँ, क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ आसपास ताज़ा सलाद पत्ते कहाँ मिलेंगे? क्यों नहीं जानता हूँ मैं, पहाड़ी के उस पार तुम्हें ताज़ा सलाद पत्ते मिल जाएंगे। लेकिन मियाँ, जिस स्पीड से तुम चलते हो तुम्हारे वहाँ पहुँचने तक तो वो सड़ जाएंगे। कितना घमंड है तुम्हारे अंदर। ये तो मुझे भी मालूम था कि पहाड़ी के उस पार सलाद पत्ते हैं। अच्छा, क्या तुम बता सकते हो कि इस जंगल में कितने तालाब हैं? क्योंकि हमें हर दिन काफ़ी दूर से चल के आना पड़ता है यहाँ। अगर तुम जानते हो तो हमें बता दो, हम वहीं जाया करेंगे। ये तो एक फालतू सवाल है, कुछ और पूछना हो तो पूछ लो, जल्दी करो जल्दी, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। चालाक बंदर आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। हम आ जाओ, अपना काम करो, हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? थोड़ी देर बाद कहीं से एक हाथी आता हुआ दिखाई दिया। हाथी की आंखों से ही लग रहा था कि उसे बहुत प्यास लगी है। वो जल्दी से तालाब के पास पहुंचकर पानी पीना चाहता था। उसे देखो, लगता है इसी तरफ आ रहा है। इसी तरफ आ रहा है, मेरा ख्याल से प्यासा है, पानी पीने आ रहा है। बंदर जो कि दूसरे जानवरों के सामने अपनी चालाकी को साबित करना चाहता था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। सही कह रहे हो, वो पानी पीने ही आ रहा है, लेकिन क्या तुम लोग जानते हो वो किस तरह पानी पिएगा? क्योंकि सभी जानवरों की गर्दन होती है जिसे झुकाकर वो पानी पी सकते हैं, लेकिन हाथियों की गर्दन तो बहुत छोटी होती है और अगर वो बैठ भी जाए तो भी पानी नहीं पी सकते। सभी जानवर बंदर की तरफ देखने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। नहीं जानते तुम लोग, मैं अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को। अभी बाल्टी लाता हूँ उसे पानी पिलाने के लिए, वो मेरी हेल्प के बगैर पानी पी ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, मुझे कहते हैं चालाक बंदर। बंदर दौड़ता हुआ बाल्टी लाने चला गया ताकि हाथी को पानी पिला सके। वो कुछ देर बाद लौटा और बाल्टी में पानी भरकर हाथी के आने का इंतजार करने लगा। अब ये बाल्टी हाथी के सामने रखूंगा ताकि वो पानी पी सके। तुम्हें लगता है तुम्हारा ये आइडिया काम करेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि हाथी मुझे थैंक यू भी बोलेगा और तब तुम लोग भी मान जाओगे कि मैं चालाक हूँ। अभी पता चल जाएगा। कुछ देर बाद हाथी तालाब के पास पहुँच गया। बंदर ने खुश होकर पानी की बाल्टी हाथी की तरफ बढ़ाई, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड पानी में डाली, उसमें पानी भरा और बड़ी आसानी के साथ पानी अपने मुंह में डाल दिया। सभी जानवर हंसने लगे
और बंदर हैरान होकर हाथी को देखने लगा। मेरे ख्याल से जरूर कुछ गड़बड़ है, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है, ये बंदर पानी की बाल्टी लिए क्यों खड़ा है? ये बंदर सोच रहा था कि तुम पानी नहीं पी सकते हो, तुम अपनी गर्दन को नहीं झुका सकते, इसलिए ये बाल्टी लाया था और जो तुम्हारे लिए भरकर खड़ा है ताकि तुम्हें पानी पिला। तुम भी क्या चीज हो भाई। मैं तो हैरान हूँ तुम हमेशा ऐसे ही पानी पीते हो। हाँ भाई, ये सूंड जो अल्लाह ने हम हाथियों को दी है उसके बहुत से फायदे हैं। हम इस सूंड से पानी पीते हैं, जमीन से घास उठाकर खाते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं और कभी कभी उसे पानी से भरते हैं और एक दूसरे को। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो, ना करो ये सब, मैं तो भीग गया। ओहो ओहो, मैं भीग गया। अब तुम समझे ये सूंड हमारे किस काम की है। क्यों नहीं, अच्छी तरह समझ गया होगा अब तो। कहाँ जा रहे हो, बहुत से हाथी आ रहे हैं, उन सबके लिए बाल्टियां लेकर आओ, उन्हें पानी पीना है। जी बच्चों, हमारी कहानी खत्म हुई और बंदर मियां जो खुद को सबसे ज्यादा चालाक समझते थे, उसकी समझ में आ गया कि खुदा ने हाथियों को सूंड क्यों दी है।